टेरेस पे नीको, ही इज फ्रॉम जर्मन, सॉरी. सो मगर मुझे 2.5 किलोमीटर दूर पहले ही उतार दिया है और सिर्फ 500 मीटर का उसने 10 रुपए लिया मुझसे. यार इतना तो मैं खुद ही चल सकता था. सो इट्स डे 2 और अभी हम लोग हैं टेरेस पे. नीको, ही इज फ्रॉम जर्मन, सॉरी. सो आज हम लोग जा रहे हैं जैसलमेर. ये जाएंगे 6 बजे और मैं जाऊंगा रात में 11 बजे. ही इज फ्रॉम फ्रांस, फ्रेंच इन द प्लेस. तो अभी हम लोग ने चाय ऑर्डर की है और चाय पीने के बाद मैं थोड़ा सा कुछ जगहों को शॉर्टलिस्ट किया हूँ, वहां जाऊंगा घूमूंगा और नीको भी कहीं जाएंगे घूमने. So Nico, do you want to say something for Indian people? I wish you have a fucking good country actually, and I wish you all of you a good day and a good life. So good. So finally हमारी चाय आ चुकी है. वाकई चाय बहुत ज्यादा टेस्टी है. So enjoy कर रहे हैं हम लोग. बस यहाँ हम लोग almost 1.5 घंटे और रुकेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे और आपको दिखाएंगे कुछ अमेजिंग जगह जो जोधपुर में है. और अभी मैं सुबह पेपर पढ़ रहा था तो कोरोना वायरस का यहाँ पर 2-3 लोग के पॉजिटिव रिजल्ट्स आ चुके हैं जोधपुर में, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज़ था. तो अब देखता हूँ और थोड़ा अपने आप को भी थोड़ा सा मैं डिस्टेंस मेंटेन करके रखूँगा और थोड़े से यूज़ करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा की चीज़ों से बचा रहूँ. और अगर आप लोग भी हैं तो आप लोग भी इसको अवॉइड कीजिए, ट्राई कीजिए कि सेफ़ रहें. होप कि आप लोग सेफ़ होंगे. हॉस्टल से मैं निकल चुका हूँ और ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ. एक मंदिर मैंने कल रात में देखा था वेबसाइट पर, बहुत ही प्यारा मंदिर था, तो वहीं जाना है मुझे. नाम है उसका गणेश टेम्पल, रत्नाता करके कुछ जगह है और यहाँ से ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर है. तो मैं पैदल नहीं चलूंगा, मैं लूंगा बस और बस के लिए ये चौराहा का रास्ता है. और मेरा एक फ्रेंड है, बता रहा था हॉस्टल में ऑलमोस्ट 10 रुपए लगेगा, तो 10 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है और 5 किलोमीटर के हिसाब से सही है, तो जल्दी मैं पहुंच भी जाऊंगा. अभी टाइम सिर्फ 9:30 हो रहा है और धूप बहुत तेज है. अभी से इतनी ज्यादा गर्मी है, ऑलमोस्ट 28 डिग्री सेल्सियस है और मार्च का भी स्टार्टिंग है. आप देख सकते हैं राजस्थान का ये हालत है. आई होप कि लखनऊ में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि कुछ लोग बता रहे थे कि लखनऊ में भी बहुत गर्मी है. तो अगर लखनऊ में गर्मी है तो ये तो राजस्थान है. इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी और मेरे ठंड के कपड़े लाना सब बेकार हो गया और बैग मेरा ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा भारी हो गया है. तो मैं पहुंच चुका हूँ चौराहे पर. यही वो जगह है जिसको मैं देखना चाह रहा था. अभी मैं मंदिर विजिट नहीं किया हूँ. मैं आपको बता दूं, कल मैं ऐसे ही वेबसाइट पे चेक कर रहा था कि और क्या क्या जगह है घूमने के लिए. फिर मैंने किसी की पोस्ट देखी, मैंने कहा यार ये कहाँ पर है. तो फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया और पता चला तो ये ऑलमोस्ट क्लॉक टावर से ऑलमोस्ट आई थिंक 4 किलोमीटर दूर है. आप बस ले सकते हैं, 10 रुपए कॉस्ट है. अब मैं जा रहा हूँ, यहाँ मैंने थोड़ी फोटो भी खींचवा ली और अब मैं जा रहा हूँ मंदिर में विजिट करने. तो चलते हैं, थोड़ा प्रसाद प्रसाद चढ़ाते हैं, काफी ट्रेवलिंग हो गई, थोड़ा सा धार्मिक पूजा वूजा भी हो जाए. अगर आप उमेद भवन पैलेस जा रहे हैं और गणेश टेम्पल पहले विजिट किए हैं तो वहां से बस बिल्कुल मत पकड़िए. मैं सोचा है कि उमेद भवन पैलेस तक तो जाएगा ही जाएगा या ऑलमोस्ट 500 मीटर तो जाएगा ही उससे पहले, मगर मुझे 2.5 किलोमीटर दूर पहले ही उतार दिया है और सिर्फ 500 मीटर का उसने 10 रुपए लिया मुझसे.
यार इतना तो मैं खुद ही चल सकता था। कभी कभी जब आपको जिस सिटी के बारे में पता नहीं रहता है तो ऐसी गड़बड़ी होती है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको गणेश टेम्पल रत्नाड़ा आना है तो वहां से बस पकड़िए, बट रत्नाड़ा से उमेद भवन पैलेस के लिए बिल्कुल बस मत पकड़िए, पैदल ही चल चलिए यार। 3 किलोमीटर है यहाँ से, 500 मीटर छोड़ेगा कोई फायदा ही नहीं है। मेरे 10 रुपए बर्बाद हो गए, कोई बात नहीं। धूप बहुत तेज है, रास्ता है ये उमेद भवन पैलेस की तरफ का। सो फाइनली मैं उमेद भवन पैलेस के रास्ते में हूँ और 200 मीटर ही बचा हुआ है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, उमेद भवन पैलेस 1943 में बनाया गया था और इस समय उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक रॉयल फैमिली के लिए और एक जिसमें मैं विजिट करूंगा, जिसमें आम टूरिस्ट विजिट करते हैं, जिसको म्यूजियम बनाया गया है। बहुत सारे उसमें आर्म्स हैं, फोटोग्राफ है, बहुत कुछ है। जैसा कि हमने लालगढ़ पैलेस में देखा था। और जो थर्ड सेक्शन है उसमें वो होटल बना दिए, 5-स्टार होटल। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आकर रूम ले सकते हैं, मगर रूम के प्राइसेस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि 5-स्टार होटल है तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो ये जो है, ये अभी मैं कैंट एरिया साइड हूँ, तो आप देख सकते हैं सामने हेलीकॉप्टर है ये एयरफोर्स का, और कितना आराम से धीमे धीमे ये उतर रहा है। वाह, सी ये रास्ते में पता नहीं किसने ये कचरा डाल दिया है, दिस इज नॉट गुड। पूरी रोड साफ है मगर कुछ लोगों की वजह से ये, आप देख रहे हैं, पानी पीकर यहीं फेंक दिया गया है, ये सही नहीं है। प्लीज़ अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हम जब तक नहीं सही होंगे तब तक दूसरा कैसे कोई सही होगा। फाइनली मैं हूँ इस समय उमेद भवन पैलेस के अंदर, और मैं आपको बता दूं कि 30 रुपीज पड़ा टिकट कॉस्ट। और जैसे ही आप टिकट लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आपको मिलेगा विंटेज कार्स, ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो 6 से 7 विंटेज कार्स हैं, और मेरे पीछे है म्यूजियम। अब मैं जा रहा हूँ म्यूजियम के अंदर, तो चलिए चलते हैं।